मेरा नाम है माया और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे माया के व्लॉग्स पे। आज मैं क्या बनाने वाली हूँ? आज मैं बनाने वाली हूँ बेसन के लड्डू। हाँ जी, बेसन के लड्डू। मैंने लास्ट टाइम गेहूँ के लड्डू बनाए थे और इस टाइम हम बनाएंगे बेसन के लड्डू जो सर्दियों में खाए जाते हैं। उसमें मैं क्या क्या डालने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप मैंने सारा एक्सप्लेन किया है मेरे वीडियो में, तो वीडियो ज़रूर टिल एंड देखिए और इन्जॉय करिए। और हाँ, खुद बना के मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके लड्डू कैसे बने। तो अभी के लिए इतना ही, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं लड्डू बनाने का प्रोसेस। ये मैंने ले लिया है आधा किलो चने का आटा जो मैंने दरदरा पीस के लाया हुआ है। फिर मैंने लिया है दूध जो कि लगते लगते हम डालेंगे, बहुत ही कम, थोड़ा सा वार्म कर लिया है मैंने। फिर लिया है मैंने ये गोंद, आप देख सकते हैं, इसको भी सीखने का एक प्रोसेस है, वो भी मैं आपको इन शॉर्ट बताऊंगी कि कैसे उसे करना है। और मैंने ले लिया है ये 100 ग्राम रवा सूजी, इसको भी हम अच्छे से सीखेंगे घी में। फिर मैंने ले लिया है घी, मनुका, ब्लैक मनुका, अगर आपके पास ब्राउन है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने लिया है इलायची पाउडर, ये मैंने ले लिया है 50 ग्राम गुड़, अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो फिर ज़्यादा ले सकते हैं। और सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो बेसन के लड्डू में होती है वो होता है बादाम। बादाम जब बेसन के लड्डू में जब घुल के वो जब बनते हैं तो मेन फ्लेवर जो आता है वो बादाम का आता है। तो ये ले लिए हैं मैंने बादाम। अब ये सारी सामग्री मेरी रेडी हो चुकी है और अब हम बनाएंगे लड्डू बनाने का प्रोसेस जो है वो हम शुरू करते हैं। चलिए आइए अब हम स्टार्ट करते हैं गोंद फ्राई करने का प्रोसेस। ये मैंने डाल दिया है घी, आप चाहिए तो तेल में भी गरम इसको सेक सकते हैं। ये हो गया है अच्छे से घी गरम और अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा करके गोंद। इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है। देखिए ये फूलना भी चालू हो गया है, बहुत आराम से घाई नहीं करेंगे। है थोड़ा सा घी और ये मैंने कर दिया है पैन गरम और मैंने कर दिया है इंडक्शन थोड़ा सा कम, बहुत ही धीमी आंच पे हम इसे सेकेंगे, बहुत ही धीमे। और कब तक इसे हम भूजेंगे? जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता, थोड़ा थोड़ा करके ही हम इसे सेकेंगे। अगर एक साथ हमने सेका तो वो कच्चा रह जाएगा और फिर आप जब लड्डू खाओगे तो आपको वो अच्छे नहीं लगेंगे। इसीलिए बेसन कच्चा नहीं रहना है, इसीलिए इसे अच्छे से आप गोल्डन ब्राउन होने तक इसे सेकिए और इसे कंटिन्यूस आप स्टर करते रहिए। ये ज़रा भी जलना नहीं चाहिए वरना ये कड़वे लगेंगे लड्डू। कम से कम 20 मिनट लगेंगे इसे सेकने के लिए अच्छे से। और थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी इसमें अब घी और इसे अच्छे से मिक्स हो जाने दीजिए। और फिर हम इसे स्टेनर में जो छलनी है इसमें छान लेंगे। ये छानना इसलिए है कि अब जो मैंने घी डाला है और पहले जो भी मैंने घी डाला था उससे ना ये छोटी 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 जो देख रहे हैं आप गुठलियाँ बन गई हैं। अगर आप ऐसे ही इसके लड्डू बांधेंगे तो वो गुठलियाँ जब मुंह में आएंगी तो वो अच्छे नहीं लगेंगे, इसीलिए हम इसे अब अच्छे से छान लेंगे। देखिए अच्छे से ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है हमारा बेसन का जो आटा हमने लिया था दरदरा, देखिए अच्छा कलर से
बहुत ही अच्छे से सीखा है मैंने इसे। आप भी टाइम लेके अच्छे से इसे गोल्डन ब्राउन होने तक ऐसे ही सेकिए। अब मैं ले लिया है ये स्टेनर, अब मैं इसमें करूँगी इसे और इसमें मैं ये छान लूँगी। और ये देखिए मैंने अच्छे से ये बेसन का जो आटा था वो मैंने छान लिया। ये मैंने पैन कर लिया है गरम और अब मैं इसे ऐड करूँगी ये रवा। अब इसे भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हमें सेकना है। रवा भी अच्छे से अब गोल्डन ब्राउन हो चुका है। थोड़ा सा और हम घी ऐड करेंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि जब हम लड्डू बनाएंगे उस वक्त भी हम घी डालेंगे। और अब हम डालेंगे ये गुड़। मैंने पैन गरम कर लिया था थोड़ा सा और मैंने इंडक्शन कर दिया है अब बंद, नहीं तो ये गुड़ जल जाएगा। और फिर हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा घी। अब इसे धीमी आंच पे होने दीजिएगा, बहुत ही धीमी आंच पे। देखिए गुड़ ऑलमोस्ट पिघलने ही वाला है। अगर ज़्यादा बड़ा है गुड़ तो आप धीरे धीरे उसे छुरी से छोटे छोटे टुकड़े में कर सकते हैं। देखिए ये घी डाला हुआ है अब तो ये बिल्कुल नहीं जलेगा, बट हाँ इंडक्शन या फिर गैस आप बहुत ही धीमा कर दीजिएगा और उसे कंटिन्यूस स्टर करते रहिए। पानी या दूध कुछ भी नहीं डालेंगे हम इसमें अब। और ना इसे ज़्यादा गाढ़ा करेंगे वरना हमारे जो लड्डू हैं वो कड़क हो जाएंगे। तो ना ज़्यादा इसको गर्म करना है और ना ज़्यादा ठंडा, बस गुड़ पिघल जाए इतना ही इसे गर्म करना है। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं लड्डू बनाने का प्रोसेस। ये ले लिया है मैंने आटा, अब हम डालेंगे इसमें रवा। हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे इसमें गुड़ डालेंगे। गुड़ बहुत गर्म है अभी इस स्टेज पे। और अब हम डालेंगे इसमें घी। इलायची का पाउडर, फिर हम डालेंगे बादाम। ये अच्छे से इसे अब मिक्स कर लेंगे, अभी भी गर्म है आटा बट अब हमें इसे बांधना स्टार्ट करना होगा। अगर इस स्टेज पे आपको ऐसे लगे कि ये बन नहीं रहे हैं, देखिए ये बन नहीं रहे हैं, तो आप इसमें दूध ऐड कर सकते हैं। बट अगर ऑलरेडी आपने घी वगैरह अच्छे से डाला हुआ है तो ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा इसमें दूध ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा, थोड़ा सा, दैट्स इट। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको पहले तो से वो स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी बाटी में थोड़ा सा घी ले लीजिएगा। ये देखिए ये जैसे लड्डू बन गया, इस पे थोड़ा सा यहाँ पे हम थोड़ा सा घी लगाएंगे, फिर इसे गोल घुमाएंगे अच्छे से और फिर ये जो बादाम है पे स्टिक कर देंगे इसे। देखिए बहुत प्यारे लग रहे हैं और ये जाएगा गणपति बाप्पा को।
इसी तरह हम सारे लड्डू जल्दी जल्दी जो हैं बना लेंगे, नहीं तो हमारा जो आटा है वो ठंडा हो जाएगा। और अगर समझो आटा अगर ठंडा हो गया है और लड्डू नहीं बन रहे हैं, तो आप थोड़ा सा उसमें दूध डाल के वापस मिक्स करके अच्छे से लड्डू बनाना स्टार्ट करिए। देखिए इसी तरह से हम सारे लड्डू जल्दी जल्दी जो है बना लेंगे। और देखिए सारे लड्डू हमारे बनके रेडी हो चुके हैं। तो ये रहे हमारे बेसन के और रवा के लड्डू। ये मैंने आधा किलो बेसन से लड्डू बनाए हैं, परफेक्ट बने हैं, देख सकते हैं आप। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसे बने आपके लड्डू। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्लिक करें फॉर पर्सनल नोटिफिकेशन। और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर